बी डबल ई में अपन स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पर बेस्ड टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन देख रहे थे, उसी का सीरीज चल रहा था। अब एक और सर्किट देख लेते हैं। सर्किट है, ड्रॉ कर देता हूँ मैं ऐसा। फिर ये 60 ओम है, ये भी 60 ओम का है, ये 60 ओम, ये 10 ओम है, ये 30 ओम, यहाँ पे भी 30 ओम है, ये भी 30 ओम और ये 10 ओम। ये ए पॉइंट और इसको दे दिया क्वेश्चन वाला बी पॉइंट। क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिया है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि दिए गए सर्किट के ए और बी टर्मिनल के बीच सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, ठीक है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो टर्मिनल ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब भी किसी सर्किट में अगर रेजिस्टर अगर डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर सर्किट में अगर कोई रेजिस्टर अगर पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है तो भी हम उस पैरेलल कनेक्टेड सर्किट में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट अगर कहीं पर सर्किट में अगर सीरीज और पैरेलल जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखे, तो ऑलवेज आपको ये देखना है कि कहीं उस सर्किट में रेजिस्टर है वो कहीं डेल्टा या फिर स्टार कनेक्शन के फॉर्म में कनेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, तो सर्किट में देखने से क्या पता चल जा रहा है, ये ए है, बी है, यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये 60 ओम, ये 60 ओम और ये 60 ओम, ये तीनों 60 ओम आपस में डेल्टा फॉर्म में अरेंज्ड दिख रहा है, डेल्टा के कनेक्शन में, ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर में। वैसे ये 30 ओम, ये 30 ओम और ये 30 ओम आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है, डेल्टा के फॉर्म में। तो ये भी डेल्टा ऑर्डर में कनेक्टेड है, ये भी डेल्टा ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो आसानी से इस डेल्टा को हम किस में, ऑलवेज ये डेल्टा को आप एक बार आपको वाई कनेक्शन या फिर स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करके देखना है कहीं सॉल्व हो जाए तो, या फिर अगर आपको स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है तो उसको आपको एक बार डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, तो कहीं कोई सीरीज और पैरेलल में आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगर इस डेल्टा को आपको स्टार करना है तो इस डेल्टा इक्विवेलेंट को जब भी आप स्टार फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू ऐसे बनेगा, ऐसा कनेक्शन बनेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ऑलवेज इस डेल्टा नेटवर्क को अगर रिप्लेस करोगे तो स्टार नेटवर्क में रिप्लेस होगा, और उस डेल्टा को अगर आप स्टार कनेक्शन के फॉर्म में अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ऑलवेज उस स्टार नेटवर्क को भी उसी पॉइंट पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे वो डेल्टा नेटवर्क है वो कनेक्टेड था। तो अगर आपको शो करने तो इसको स्मॉल ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको स्मॉल सी दे देता हूँ, इसको स्मॉल डी दे देता हूँ। तो यहाँ पर अगर सी डी बी को देखूँ तो ये एक क्या है, डेल्टा नेटवर्क है। वैसे अगर मैं बी ए कैपिटल ए को देख दूँ तो भी यहाँ पर एक क्या है, डेल्टा नेटवर्क है। ठीक है, तो कोई भी डेल्टा को हम आसानी से स्टार के फॉर्म में, या फिर किसी हम स्टार को हम आसानी से डेल्टा के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डेल्टा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में। अगेन इस डेल्टा को हम फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में। तो स्टार कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो उसी पॉइंट से ही कनेक्टेड होगा जिस पॉइंट पे वो क्या है, डेल्टा है वो कनेक्टेड था। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को आर एक्स दे दूँ, यहाँ के रेजिस्टेंस को, यहाँ के रेजिस्टेंस को अगर आर वाई दे दूँ, यहाँ के रेजिस्टेंस को अगर आर जेड दे दूँ, तो क्या होगा, आर एक्स, ये आर एक्स वन मान लो, इसको आर वाई मान वन मान लो, आर जेड वन मान लो। अगर मैं इसको आर एक्स टू मान लेता हूँ,
इसको अगर आर एक्स टू, इसको आर वाई टू और इसको आर जेड टू अगर मान लो, तो ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले आर एक्स वन निकालेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस वाले डेल्टा नेटवर्क के इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क की वैल्यू है आर एक्स वन। तो आर एक्स वन इस न्यूट्रल पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस होगा। इस न्यूट्रल पॉइंट और सी पॉइंट के रेजिस्टेंस को मैंने आर एक्स वन माना है, तो आर एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पूरे रेजिस्टेंस का, तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 60 प्लस 60 सभी का सम। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 60 प्लस 60, इन तीनों का सम यही होगा आर एक्स वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 20। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 20 ओम आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 ओम आ जाएंगे। ठीक है, वैसे आप आर एक्स वन हो गए तो आर वाई वन मान लो, इस वाले रेजिस्टेंस इस डेल्टा इक्विवेलेंट का यहाँ पर स्टार इक्विवेलेंट वैल्यू आर वाई वन, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट मतलब 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय पूरे का सम, तो ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो ये भी सेम वैल्यू है, तो ये आ जाएगा आपका 20 ओम आ जाएंगे। यहाँ पर आर जेड वन इस न्यूट्रल पॉइंट और डी पॉइंट के बीच स्टार नेटवर्क की वैल्यू आर जेड वन, तो आर जेड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना 60 इंटू 60 इन दोनों रेजिस्टेंस का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा ये 20 ओम। ठीक है, तो इस डेल्टा नेटवर्क का इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क की वैल्यू है वो निकल गए आर एक्स वन आर वाई वन और आर जेड वन। इस आर एक्स वन आर वाई वन और आर जेड वन की वैल्यू को हम उस सर्किट में पुट कर देते हैं और वापस रिड्रॉ कर लेते हैं। तो वापस रिड्रॉ करने से आपको मिलेगा इस टाइप से नेटवर्क मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा आपका, ये तो पहिच रहेगा 30 ओम का है, ये भी 30 ओम और ये 30 ओम। ये क्वेश्चन में कितना दिया है, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को 10 ओम दिया है, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या दे दिया है, 10 ओम दे दिया है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में स्टार नेटवर्क जोड़ोगे तो स्टार नेटवर्क की वैल्यू है यहाँ पर एक आर्म लगेगा, उसकी वैल्यू 20 ओम है स्टार का। यहाँ पे डेल्टा हटेगा फिर स्टार रिप्लेस करेंगे तो इसका भी वैल्यू 20 ओम मिलेंगे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक आर्म आएगा उसका भी वैल्यू 20 ओम, और ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, इसको क्या दिया हूँ, ए बी, इसको दे दिया हूँ सी और इसको डी दे दिया, इस टाइप से बना। तो यहाँ से डेल्टा रिप्लेस करके मैंने इसके जगह में क्या लगा दिया, इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखूँ कैपिटल ए स्मॉल ए और बी, ये भी एक क्या है, एक डेल्टा स्ट्रक्चर है। चाहता हूँ तो इस वाले डेल्टा को मैं आसानी से इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं स्टार में। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है और यहाँ के बीच का रेजिस्टेंस को अगर मैं क्या मान लूँ, आर एक्स टू मान लूँ, इसको अगर मैं आर वाई टू मान लेता हूँ और इसको अगर आर जेड टू मान लेता हूँ, तो इस डेल्टा नेटवर्क को हम इसके इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में रिप्लेस करेंगे। तो आर एक्स टू जो रेजिस्टेंस जो होगा वो न्यूट्रल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है, तो न्यूट्रल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो 30, इस पॉइंट पे दो रजिस्टर दोनों की वैल्यू 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय पूरे का सम, तो 30 प्लस 30 प्लस 30, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये 10,
तो इसकी वैल्यू जो होगा वो क्या मिलेगा आपको, 10 ओम मिलेगा। ठीक है, आर एक्स टू आर वाई टू, आर वाई टू इक्वल टू क्या होगा, आर वाई टू इक्वल टू क्या होगा, इस न्यूट्रल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का गुणा डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो 30 × 30 डिवाइडेड बाय 30 + 30 + 30, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो इन दोनों का गुणा डिवाइडेड बाय पूरे का सम, तो 30 × 30 डिवाइडेड बाय पूरे का सम मतलब 30 + 30 + 30। आर जेड टू निकाल लेते हैं, आर जेड टू जो होगा वो आर जेड टू कहाँ का है, इस न्यूट्रल पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है। तो न्यूट्रल पॉइंट और बी पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का गुणा डिवाइडेड बाय पूरे का फिर से सम। तो ये क्या हो जाएगा, 30 × 30 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 30 + 30 + 30। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 ओम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने दिया था उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर क्या था, डेल्टा नेटवर्क था। डेल्टा को मैंने इक्विवेलेंट स्टार से, तो डेल्टा को आप सिर्फ और सिर्फ स्टार नेटवर्क से ही रिप्लेस कर सकते हो। फिर से रीड्रॉ करूँगा सर्किट, तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। सर्किट रीड्रॉ करने से आपको इस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे स्टार बनेगा तो डेल्टा का एक आर्म इधर बनेगा, ये स्टार डेल्टा का इक्विवेलेंट स्टार यहाँ पे बनेगा। फिर पहले से यहाँ पर इस पॉइंट पे 10 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसा 10 ओम भी कनेक्टेड है। फिर डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर एक 20 आया, फिर डेल्टा को स्टार में कनेक्ट किया तो यहाँ पर एक 20 आया, और ये भी आपका क्या है, 20 है। ठीक है, 20 ओम 10 ओम और ये 10 ओम, ये 10 ओम, ए आइए ठीक है। अब इसको देखने से पता चल जा रहा है कि ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम, तीनों का एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा है इस टाइप से, तो ये आप सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। वैसे ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम तीनों का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा है, तो ये भी आपस में क्या होगा, सीरीज होगा। तो इस सीरीज में सारे रजिस्टर है वो एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होने की वजह से वो अपर आर्म वाले सारे रजिस्टेंस एड हो जाएंगे और उनका एडेड सम है वो सिंगल रजिस्टर से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये 10 ओम होगा और इसका एडेड सम क्या है, एक सिंगल रजिस्टेंस हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तीनों का एडेड सम है उसको एक सिंगल रजिस्टर से हम रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसा मिलेगा, और यहाँ पर ये क्या रहेगा, 20 ओम। तो 10, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 ओम। 10, 20 और 20 ये क्या हो जाएगा, 40 ओम। ठीक है, और ये ए होगा और ये क्या होंगे, बी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कि ये 40 ओम का एक टर्मिनल इस 40 ओम के एक टर्मिनल से, इस 40 ओम का दूसरी टर्मिनल इस 40 ओम के दूसरी टर्मिनल से, दोनों आपस में पैरेलल में है। और पैरेलल में जब भी रजिस्टर होते हैं तो हमेशा उसका इक्विवेलेंट जो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टेंस वैल्यू होता है, उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो ये 20 है, ये 40 पैरेलल 40 मतलब 40 × 40 डिवाइडेड बाय 40 + 40। तो जब भी सेम वैल्यू का रजिस्टर पैरेलल में हो तो उसकी हमेशा क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो ये क्या होगा, 10 ओम, ये ए और ये क्या होगा, बी। तो अगर ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस को अगर मैं आर ए बी मान लूँ तो अब ये सारे रेजिस्टर आपस में सीरीज फॉर्म में दिख रहा है। तो सीरीज में रेजिस्टर एडिटिव नेचर का होता है, तो 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 20 ओम, तो आर ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 50 ओम। तो ये रहा आपका उस दिए गए नेटवर्क का इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। तो जब भी आपको किसी सर्किट में स्टार दिखे तो कोशिश करो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करने का, या फिर डेल्टा अगर दिखे तो कोशिश करो उसे स्टार में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो स्टार डेल्टा वहां पर दिखाई देगा जहां पर डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल ना हो, वहां पे ऑलवेज क्या मिलेंगे आपको, स्टार डेल्टा ही मिलेंगे। ठीक है,
तो अगर सीरीज नहीं दिखाई देता तो डेल स्टार देखो, मतलब पैरेलल देखो, पैरेलल नहीं है तो क्या मिलेगा वहां पर, डेल्टा रहेंगे, सीरी आपका स्टार रहेंगे। तो स्टार डेल्टा को ही आपको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके ही आपको क्या करते जाना है, वैल्यू कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टार डेल्टा पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, अगर सबको क्लियर हो गया तो फिर और अपने तरफ से और क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाएंगे आपको। तो मैंने अपने तरफ से स्टार डेल्टा का 3-4 न्यूमेरिकल लिया, अगर आपको कहीं पर और दिखे तो अपने तरफ से और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज ही चल रहा है समझो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में है एक करेंट डिविजन रूल लिया था मैं कुछ दिन पहले, करेंट डिवाइडर रूल, करेंट डिविजन रूल पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन वाला यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है, ये करेंट सोर्स है, कांस्टेंट करेंट सोर्स जिसको डीसी सोर्स बोलते हैं, 12 एम्पियर का सोर्स है, ठीक है, 12 एम्पियर का करेंट सोर्स है। ये करेंट सोर्स आपका डिवाइडेड होगा 3 पार्ट में, ये ऐसा एक, ये दूसरा आर्म एक रजिस्टर, और ये तीसरा एक रजिस्टर इस टाइप का है, और ये ऐसा, ठीक है, ये इस टाइप का है। ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाला दे दिया है 0.1 S, S का मतलब सीमेन, और सीमेन जो होता है किसका यूनिट होता है, कंडक्टेंस का, 0.2 S, S का मतलब सीमेन, सीमेन किसका यूनिट है, कंडक्टेंस, एंड कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस करेंट को अपोज करने का गुण रखता है। अगर मैं इस पॉइंट, इस जंक्शन को ए दे दूं तो ये वाला जंक्शन क्या होगा, बी। ए पॉइंट पे आके ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करेंट I1 के फॉर्म में इसमें फ्लो होगा, कुछ करेंट यहाँ पर I2 के फॉर्म में इसमें फ्लो होंगे, कुछ करंट I3 के फॉर्म में इसमें फ्लो होगा। क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिया है, और क्वेश्चन वाले ने इसमें ये बोल दिया है कि इस दिए गए जो सर्किट्स हैं, इस दिए गए सर्किट्स में हमें करंट I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें मेन करंट सोर्स पता है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ का करंट I1 पूछा, इस करंट की वैल्यू I2 को पूछा, इस करंट को I3 को पूछा। ए पॉइंट पे आने के बाद इस 12 एम्पियर के करंट को 3 रास्ता मिल रहा है, तीनों रास्ते पे कुछ कुछ अमाउंट का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक पॉइंट पे I1 के फॉर्म में, दूसरे पॉइंट पे I2 के फॉर्म में, तीसरे पॉइंट पे I3 के फॉर्म में, तीसरे ब्रांच पे फ्लो हो रहा है। किस ब्रांच में कितने अमाउंट का करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है उसकी ब्रांच रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, या फिर उस ब्रांच रेजिस्टेंस की कंडक्टेंस पर। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू कम होंगे, या फिर जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 S लिखा है, मतलब S का मतलब सीमेन, और सीमेन S का मतलब होता है सीमेंस, और सीमेंस जो है वो क्या होता है, एक्चुअल में यूनिट है, किसका है, यूनिट है, यूनिट किसका है, ये कंडक्टेंस का, और कंडक्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की अपोजिट को ही क्या बोलते हैं, हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी है, बट कंडक्टेंस है वह प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो ये मेन करंट पता है 12 एम्पियर का दिया है, इस करंट को अपने तरफ से दे देता हूँ सोर्स करंट I। तो I करंट पता है, मेन करंट पता है, ये मेन करंट 12 एम्पियर क्वेश्चन वाला खुद दे दिया है, लेकिन उसने I1 पूछा है, I2 पूछा है, I3 पूछा है। जब भी मेन करंट पता हो और आपको करंट का कहीं पर डिवीजन दिखे
और बहुत सारे वहाँ पर पैरेलल ब्रांचेस दिखे, तो ऑलवेज वहाँ पर आप करेंट डिवीजन रूल का फॉलो करेंगे। तो करेंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, करेंट जो डिवीजन जो रूल होता है, सपोज मुझे इस ब्रांच पर करेंट फ्लो हो रहा है, उसको निकालना है I1, तो I1 बाय करेंट डिवीजन रूल सोर्स करेंट इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उसके सामने वाले ब्रांच रेजिस्टेंस होता है जब सिंगल ब्रांच हो, इसमें निकालना है, और इसके पैरेलल में दो है तो मेन करेंट इनटू क्या होता है उसके सामने वाला, मान लीजिए इस यहाँ पर आपका इन के कंडक्टेंस के फॉर्म में मेन करेंट इनटू उस ब्रांच का कंडक्टेंस जिसमें हम करेंट निकाल रहे हैं। तो इसकी कंडक्टेंस को अगर G1 मान लूँ, इस वाले कंडक्टेंस को G1 मान लूँ, तो डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का कंडक्टेंस कितने हैं, कंडक्टेंस है 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस क्या हो जाएगा G3, ये कंडक्टेंस के फॉर्म में होता है। अगर सर्किट में आपको कंडक्टेंस के फॉर्म में अगर दिया है तो आप इसको मेन करेंट इंटू G1 डिवाइडेड बाय G1 प्लस G2 प्लस G3 ऐसा यूज़ करेंगे। तो अगर इसकी कंडक्टेंस G1 है, यहाँ सेकेंड वाले ब्रांच के कंडक्टेंस को G2 मान लिया, थर्ड वाले ब्रांच के कंडक्टेंस को G3, तो G1 जो होगा एक्चुअल में फर्स्ट वाले का R1 का उल्टा होगा, G2 जो होगा 1/R2 होगा, G3 जो होगा वो 1/ क्या होंगे R3 होंगे। तो G1 = 1/R1, G2 = 1/R2, G3 = 1/R3। तो मेन I1 निकालना है, मेन करंट पता है कितना दिया है क्वेश्चन वाला खुद से 12 एम्पियर दे दिया, और G1 की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन वाले ने दिया है 0.1 सीमेन या फिर ओम इनवर्स या फिर मोह बोलते हैं उसको, सीमेन को मोह भी बोलते हैं, ओम इनवर्स भी बोलते हैं। G1 का वैल्यू सीधा दिया 0.1 सीमेन, G2 का वैल्यू देखो तो 0.2 सीमेन दिया है, G3 का वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है 0.3 सीमेन दिया है। ये क्यों क्या लगाए वहाँ पर, करेंट डिविजन। तो पैरेलल पाथ में ऑलवेज करेंट का डिवीजन होता है, और जब भी एक मेन सोर्स करेंट पता हो और डिफरेंट ब्रांचेस पे करेंट का डिवीजन हो रहा हो, तो आसानी से वहाँ पर करेंट डिवीजन रूल का फॉलो करते हुए हम करेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन सोर्स करेंट इनटू उस ब्रांच का कंडक्टेंस, इन केस ऑफ करेंट अगर निकालना है तो उस ब्रांच का कंडक्टेंस जहां आप करेंट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ का करेंट निकाल रहा हूँ इस कारण इसकी कंडक्टेंस को काउंट किया G1 डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का कंडक्टेंस। तो पूरे सर्किट में 3 कंडक्टेंस दिख रहा है पैरेलल पाथ में, G1, एक को मैं G2 मान लिया, एक को G3 मान लिया, तो रख दिया। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, I1 = मिलेंगे आपको ये 12 इंटू ये 0.1 हो जाएगा, इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा 0.6 हो जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 = मिलेगा आपको 2 एम्पियर मिलेगा, 2 एम्पियर, ठीक है। तो मेन करंट उस फर्स्ट वाले ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट क्या मिल गया 2 एम्पियर। अब सेकेंड वाले ब्रांच का निकालते हैं I2, I2 करंट निकालना है, सेकेंड ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट है, तो सेकेंड ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट I2 जो होगा वो क्या होगा, सोर्स करंट मेन करंट इनटू उसके उस ब्रांच का कंडक्टेंस जहाँ करंट निकाला है, तो सेकेंड ब्रांच का कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का कंडक्टेंस G1 प्लस G2 प्लस G3, उस ब्रांच का कंडक्टेंस जहाँ पे हम करंट निकाल रहे हैं, तो मेन करंट इनटू उसका कंडक्टेंस जिसमें हम करंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ब्रांच का निकाल रहे हैं तो I मेन करंट 12 इनटू उसका कंडक्टेंस जहाँ निकाल रहे हैं, तो इसका कंडक्टेंस क्या है 0.2 है सेकेंड ब्रांच का, डिवाइडेड बाय फर्स्ट ब्रांच का कंडक्टेंस 0.1, सेकेंड ब्रांच का 0.2, थर्ड ब्रांच का 0.3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 12 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6 मिलेगा, ठीक है। तो ये I2 सेकेंड ब्रांच पे फ्लो होने वाला करेंट कहाँ से आए, करेंट डिवीजन रूल से, बाय करेंट डिवाइडर रूल
इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो 4 एम्पियर। तो सेकेंड नंबर के ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट क्या मिल गया आपको, 4 एम्पियर का मिल गया। नाउ बाय अगेन करंट डिविजर रूल, I3 करंट जो होगा वो क्या होगा, मेन करंट I इंटू उस ब्रांच का कंडक्टेंस जहाँ पे करंट निकाल रहे, तो थर्ड ब्रांच का कंडक्टेंस G3 है, डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का कंडक्टेंस G1 प्लस G2 प्लस क्या होगा ये G3। तो मेन करंट क्या है, 12 एम्पियर का मेन करंट है। थर्ड ब्रांच का कंडक्टेंस क्या है, 0.3 है, डिवाइडेड बाय सर्किट का कंडक्टेंस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3। तो ये I3 जो होगा, I3 इक्वल टू होंगे 12 टू 0.3 होल डिवाइडेड बाय 0.6। I3 की जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 6, और ये मिलेंगे एम्पियर। ठीक है, तो ये 6 एम्पियर का करंट। ठीक, तो थर्ड नंबर के ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया, 6 एम्पियर का। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल से हम आसानी से किसी भी ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है करंट डिवीजन रूल लगाया। मेन करंट जब भी पता हो, करंट डिवीजन का रूल तभी लगेगा जब आपको मेन करंट सोर्स करंट पता रहेगा तब, और वहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड रहेंगे तब। तो मैंने इसका थ्योरी लिया था, बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कराया था करंट डिविजन रूल का। चलो एक और देख लेते हैं करंट डिविजन रूल। ठीक है, एक को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक और देख लेते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के सीरीज चल रहे हैं उसमें से। ठीक है, एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, क्वेश्चन वाला दिया है करेंट सोर्स। ठीक, इसके साथ करेंट सोर्स के साथ आप सबको पता होगा कि पैरेलल में रेजिस्टेंस यूज होता ही है प्रैक्टिकल करेंट सोर्स में। ठीक है, तो ये करंट 19 एम्पियर का दे दिया है, इसकी वैल्यू को 2 ओम दिया है क्वेश्चन वाले ने, इसकी वैल्यू को 4 ओम दिया है क्वेश्चन वाले ने, और इसको दे दिया है 5 ओम। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने 19 एम्पियर का करंट सोर्स को 3 पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया है। उन्होंने इसमें फ्लो होने वाले करंट को I1 दिया, इसमें फ्लो होने वाले करंट को I2 दिया, इसमें फ्लो होने वाले करंट को क्या दे दिया है, I3। क्वेश्चन वाला बस इतना ही बोलेगा, वहाँ पर कभी भी मेंशन नहीं कर देगा कि आपको करंट डिविजन रूल से, वोल्टेज डिविजन रूल से, या फिर इस मेथड उस मेथड। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देखकर खुद समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में जो पैरामीटर पूछा गया है उस पैरामीटर की वैल्यू है वो किस मेथड से निकल सकते हैं। यहाँ पर देखने से क्वेश्चन में देख रहा हूँ तो इस सर्किट में 19 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, उसके साथ 3 रजिस्टर पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है, जिसमें एक I1, दूसरा I2 और तीसरा क्या है, I3 है। ठीक है,
तीन करंट है, तीन ब्रांच है, तीनों ब्रांच पैरेलल ऑर्डर में है और तीनों में करंट का फ्लो है, एक आई वन, एक आई टू, एक आई थ्री। ठीक है, इसमें फ्लो होने वाले करंट आई वन, आई टू और आई थ्री की वैल्यू को क्वेश्चन वाला ने पूछा है। इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें पैरेलल कनेक्टेड कंडक्टेंस था क्योंकि उसका यूनिट एस लिखा था, एस का मतलब सीमेन होता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट सीमेन होता है। सीमेन को ही हम ओम इनवर्स बोल सकते हैं या फिर इसी को मोह बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ रेसिप्रोकल और अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। क्वेश्चन वाला यहाँ पर कंडक्टेंस ना दे करके उसी पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एक मेन करंट सोर्स के साथ तीन पैरेलल ब्रांचेस दिख रहे हैं, तीनों पैरेलल ब्रांचेस आपस में पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें करंट I1, I2 और I3 की वैल्यू हमें निकालना है। सिंपल, हम वोल्ट पैरेलल में करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को R1 मान लूँ, इसकी रेजिस्टेंस को R2 मान लूँ, इसकी रेजिस्टेंस को अगर R3 मान लूँ, यहाँ पर तीन रजिस्टर है वो आपस में जुड़ा हुआ है पैरेलल ऑर्डर में, तो थ्री रजिस्टर वाले पैरेलल डिवीजन करंट डिवीजन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे R1 रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट I1 निकालना है, तो अगर इस करंट को अगर मैं मेन करंट मान लेता हूँ I, यही करंट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किधर किस अमाउंट का करंट फ्लो होगा ये डिपेंड करता है उस ब्रांच की रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। तो मेन करंट I1 करंट इक्वल टू क्या होगा, सोर्स करंट I इनटू रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या होता है, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को छोड़कर अनदर ब्रांच का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अनदर ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 है और अगला क्या है R3, तो मेन करंट I इनटू क्या हो जाएगा ये R2 और इनटू क्या हो जाएगा R3 डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस। सर्किट का रेजिस्टेंस इस फॉर्म में होगा R1 इनटू R2 प्लस, ठीक है, R2 इनटू R3 प्लस R3 इनटू R1। ठीक है, इस टाइप से होगा ये। जब भी तीन रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो पैरेलल के केस में करंट डिवीजन रूल है हम अप्लाई करते हैं और इस टाइप से फार्मूला हम बताए थे उस दिन, कंडक्टेंस में अलग हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वैल्यू दिए है, तो रेजिस्टेंस में ऐसा होगा मेन करंट कितना है 19 एम्पियर का, आर टू की वैल्यू कितना है 4 ओम है, आर थ्री की वैल्यू कितना है 5 है डिवाइडेड बाई आर वन, आर वन की वैल्यू 2 इंटू आर टू मतलब 4 प्लस आर टू की वैल्यू 4, आर थ्री की वैल्यू 5 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बनेगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर में पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू जो है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कैलकुलेटर से, इसको पुट करोगे वैल्यूज का कैलकुलेशन करोगे तो I1 जो करंट जो मिलेगा वो 10 एम्पीयर का मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर मैं करंट डिवीजन का रूल लगाया। अब I2 करंट है सेकेंड नंबर के रजिस्टर R2 पे फ्लो होने वाला करंट, तो I2 जो करंट है वो क्या हो जाएगा मेन करंट, मेन करंट मतलब I इनटू उसके अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस, तो ये R2 है, R2 पे फ्लो होने वाला करंट निकाल रहा हूँ, तो ये रजिस्टर का रजिस्टेंस काउंट नहीं होंगे, इन दोनों ब्रांच का रजिस्टेंस काउंट होगा पैरेलल ब्रांच का, तो R1 इनटू क्या हो जाएगा ये R3 हो जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R1 इनटू R2 प्लस R2 इनटू R3 प्लस R3 इनटू R1 होंगे। क्लियर हुआ, तो I2 का I मेन करंट 19 एम्पियर का करंट है, R1 का वैल्यू कितना है 2, R3 का वैल्यू कितना है 5, सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R1 2, R2 4 प्लस R2 का वैल्यू कितना है 4, R3 का 5, R3 का कितना है 5 और R1 का कितना है 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो आई टू जो करेंट है उसकी वैल्यू आपको मिलेगा, आई टू करेंट की वैल्यू आपको मिलेंगे 4 एम्पियर। कैलकुलेटर से पुट, ठीक है, आई थ्री जो करेंट है वो मेन करेंट आई इंटू उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब उसको छोड़ करके, तो आर थ्री को छोड़ कर क्या बचा, आर वन इंटू आर टू, ठीक है, आर वन इंटू आर टू बचा, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन, ये बचेगा। सारे की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आर थ्री इक्वल टू हो जाएगा मेन करेंट 19, आर वन का वैल्यू 2, आर टू का वैल्यू कितना है आपका 4 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस आर टू की वैल्यू 4, आर थ्री की वैल्यू कितना है 5 प्लस आर थ्री की वैल्यू 5 और आर वन की वैल्यू 2। ये आई थ्री की वैल्यू को अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे और सॉल्व करोगे आपको तो यहाँ पर मिलेगा आई थ्री, आई थ्री की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, 19 इंटू 2 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20 प्लस 10, ये मिलेगा आई थ्री की वैल्यू है वो 4 एम्पियर के आस। ठीक है, ये मिलेगा 4 एम्पियर के आसपास मिलेगा। तो ये 4 एम्पियर के आसपास ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये करेंट डिवीजन के रूल से आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी पैरेलल ब्रांच में फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। तो अपने तरफ से कोई और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, थैंक यू।